हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स वंस अगेन। टुडे बात कर रहे हैं निफ्टी टुमारो की, यानी कि कल ट्यूसडे के दिन कैसा मार्केट रह सकता है। इस वीडियो में जानने की कर रहे हैं कोशिश। आज बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी बैंक निफ्टी से, लेकिन वो सारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल धराशायी होती हुई दिखाई दी जब एक्चुअली 40,000 तक का भी लेवल यहां पर नहीं क्रॉस होते हुए दिखाई दिया। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। देखिए, आज अगर हम देखें 18,477 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, एंड कल निफ्टी के अंदर देखिए हम लोग यही बात कर रहे थे कि 18,500 तक जाने का दम तो है निफ्टी में, लेकिन क्लोजिंग शायद उससे नीचे होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत दिनों के बाद में निफ्टी ने उसी प्रिडिक्शन के हिसाब से कामकाज किया जैसे हमने कल निफ्टी में डिस्कस किया था। अदरवाइज पिछले 4-5 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से निफ्टी एक नई ट्राजेक्ट्री में निकलता है, गैप अप भी होता है और उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो आज 18,500 के नीचे क्लोजिंग दी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। और अगर हम आज के देखें कौन रहे हैं सबसे बड़े गेनर्स निफ्टी के ऊपर, तो उसमें से आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा हिंडाल्को मेटल स्टॉक, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्टॉक, ये मेटल जो सेक्टर रहा है पूरा वो बहुत ज्यादा तेजी में रहा है। उसके बाद इंफोसिस, टेकम एंड टाटा मोटर्स, यहां पर ये टॉप 5 स्टॉक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी 50 के। अब चलते हैं आगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि रहा है इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स ने आज अगर आप देखें 9% का जंप दिखाया है, 9% का। हमने शुरुआत करी 15.5 के आसपास से, लेकिन क्लोजिंग देखिए 17.18 की, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतनी बड़ी तेजी एक ही दिन में यहां पर वापस से आती हुई दिखाई दिए। कहीं ना कहीं जो लेवल्स के ऊपर अभी हमारे इंडाइसेस बैठे हैं वो अनस्टेबल हैं, यानी कि वहां पर अनस्टेबिलिटी आ सकती है, ये बढ़ता हुआ निफ्टी विक्स दिखा रहा है। एंड अगेन देखिए, पोजीशंस यहां पर चेंज करनी पड़ी होंगी ऑप्शन सेलर्स को इतनी तेज निफ्टी के अंदर, इतनी तेज इंडिया विक्स के अंदर एक्चुअली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है ऑप्शन राइटर्स को। अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी आज। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट इतने अच्छे आए थे कि लोगों को यह लग रहा था कि तकरीबन 60-70 पॉइंट्स का गेन यहां पर एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेगा। उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से 40,000 प्लस के लेवल्स पर ना ही केवल बैंक निफ्टी पहुंचेगा बल्कि क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो गई थी। लेकिन देखिए एकदम से अपोजिट हुआ और मार्केट ने एकदम यू टर्न लिया। और देखिए बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल एंड निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर तेजी देखने को मिली है। तो आज जो स्टार स्टॉक था देखने वाला वो था एचडीएफसी बैंक, एंड यहां पर इसने पूरी तरीके से जो इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की जो आशाएं थी वो सारी धराशायी कर दी। अब यहां अगर आप देखें गैप अप तो मिली है यहां पर, लेकिन इस गैप अप से और इसका मूव अगर आपका आज देखेंगे 3 मिनट से कैंडलस्टिक चार्ट पर हम लोग यहां पर बेसिकली इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप देखिए एक बहुत ही स्ट्रेच्ड ये तेजी दिखाई दे रही है। एंड स्ट्रेच्ड तेजी जब भी होती है तो उसको माना जाता है कि ये जो तेजी आई है जबरदस्ती की तेजी है, यानी कि इस मूव को कभी भी बैंक निफ्टी बेसिकली नीचे की तरफ लेके आ सकता है। अब मैंने आपको बताया था आज की पहली वीडियो जब मैं डाल रहा था, मैंने आपको बताया कि देखिए आज बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ी तेजी तो नहीं दिखाई, 40,000 के लेवल तो नहीं क्रॉस किए, लेकिन उसके बाद भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। हमें यहां से देख के क्लियरली पता चल रहा है कि एक स्ट्रेच्ड आउट कंडीशन बैंक निफ्टी के अंदर है, यानी कि बहुत जोर लगा के बायर्स इसको ऊपर तो लेके गए हैं, लेकिन इन लेवल्स पर इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस है जो एक्चुअली में 39,900 के ऊपर है कि उसने ऊपर जाने ही नहीं दिया, 40,000 के लेवल को टच ही नहीं करने दिया। लेकिन अगर आप ऑलरेडी देखें इस चीज को, बायर्स ने दम नहीं हारा है, दम नहीं छोड़ा है, एंड इस लेवल के आसपास जो सपोर्ट क्रिएट हुआ वो पूरे ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन एक बार भी ब्रेक नहीं हो पाया। ये लेवल अगर मैं सपोर्ट के मानता हूं तो तकरीबन 39,550 के आसपास के लेवल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और ये सपोर्ट जब तक नहीं ब्रेक होते तब तक हमें कोई भी नेगेटिव इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन होता क्या है, अगर गैप क्रिएट हुआ है
किसी भी साइड में, नीचे अगर गैप क्रिएट हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, या ऊपर की तरफ गैप अप हो रहा है, तो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन एक्चुअली में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होके वो नीचे की तरफ आता है, गैप को फिल करने की कोशिश करता है, वहां से फिर बेसिकली इंडेक्स के अंदर एक बाउंस बैक देखा जाता है। लेकिन पूरे ट्रेडिंग सेशन में ये जो लेवल्स हैं ब्रीच नहीं हुए, 39,550 के लेवल्स ब्रीच नहीं हुए, ये पॉजिटिव बात है। और यहां से ये पता चल रहा है कि अगर HDFC बैंक की वजह से आज रैली मिस हो गई है, तो वो रैली हमेशा के लिए मिस नहीं हुई है, ये रैली कहीं ना कहीं ड्यू हो गई है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है इस एक्सपायरी से पहले भी, यानी कि 21st की जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले भी आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए। ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं, जैसा निफ्टी आईटी के अंदर हुआ। इंफोसिस के रिजल्ट अच्छे आए और इंट्राडे में ऊपर भी गया, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते वो नीचे आ गया जिस दिन उसके रिजल्ट्स आए थे, एंड उसके बाद में रैली कब आई, आज, यानी कि जब मार्केट्स खुले, रिजल्ट आने के बाद जब मार्केट्स खुले तब उसके अंदर रैली आई है। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन TCS में हुई है, एंड सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन कुछ और स्टॉक्स में भी होती हुई देखने को मिली है। यानी कि एक मार्केट का जो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आज रिजल्ट आया है अब तेजी बनेगी, आज रिजल्ट आया है अब तेजी बनेगी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद में वो रैली रिज्यूम भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए कोई निगेटिव होने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी में अभी भी। अगर आज ये नीचे आता, रिवर्सल नहीं होता, इसको भी ब्रेक करता, प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग उसको ब्रेक करता, तब हमें यहां से नेगेटिव इंस्टेंस अपनाना था कि नहीं, अब यहां पर जो रैली थी वो फिजल आउट हो चुकी है, अब यहां से उम्मीद रखनी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी के सिचुएशन देखते हुए बिल्कुल पॉजिटिव इंस्टेंस क्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज रैली नहीं भी आई तो मुझे ऐसा लगता है रैली ड्यू है, आने वाले टाइम में 40,000 प्लस के लेवल्स यहां पर सस्टेन होने की पूरी पूरी उम्मीद बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगी। स्ट्रांग कंटेंडर्स होंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड, नजरें आपको बनाए रखनी होगी। ये मेरे हिसाब से एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। इसके बाद अगर आप देखें निफ्टी के ऊपर चर्चा करें थोड़ी सी, तो आज एक काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, तकरीबन 165 पॉइंट्स की गैप अप यहां पर देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर, एंड उसके बाद में आज बहुत दिनों के बाद में एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 18,476 के आसपास की यहां पर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। तो ये जो गैप है यहां पर भी सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है, जब तक ये गैप नहीं ब्रेक होता या फिर जब तक इन लेवल से नीचे नहीं निकलता, तब तक यहां पर भी नेगेटिव इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड हो गए हैं, वापस से मार्केट ओवर स्ट्रेच दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस ओवर स्ट्रेच की कंडीशन को कूल करने के लिए क्या चाहिए कि मार्केट इन लेवल पर यहां पर कंसोलिडेट हो, ये बेस्ट पोजिशन होती है। कंसोलिडेशन होने का मतलब कि एक लेवल पर बेस बन रहा है, एंड उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट आप कह सकते हैं उसको, तो ये होना जरूरी है। अब होगा क्या वो हमें टाइम बताएगा। चलिए अब फर्दर आगे लेके चलता हूं, हमने बात कर ली है काफी सारी चीजों के ऊपर, एंड अब हम यहां पर देख रहे हैं FIIs एंड DIIs। अगेन अगर आप देखेंगे FIIs 512 करोड़ की बाइंग के साथ में बायर्स दिखाई दिए, नेट बायर्स दिखाई दिए, जबकि 1700 से ज्यादा की सेलिंग के साथ में DIIs अगेन सेलिंग करते हुए दिखाई दिए। तो एकदम से टर्न अराउंड होगी है दुनिया इंस्टीट्यूशंस की, जो FIIs बिकवाली कर रहे थे वो पिछले 3 दिन से हैवीली खरीदारी कर रहे हैं, एंड जो DIIs बाइंग कर रहे थे वो एक्चुअली में अब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग इतनी ही रही तो एक्चुअली में देखिए फिर इंडेक्स को ऊपर सस्टेन रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि फिलहाल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं आ रही, जब तक FIIs यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन रह सकती है, ऐसा यहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है वेदांत के ऊपर, मैंने मेटल सेक्टर में आपको बताया किस तरीके से चाइनीज मार्केट में तेजी थी। यहां पर अगर आप बात करें डाउ की, तो देखिए आज की जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है उसके पीछे जो इंपैक्ट था वो था SGX निफ्टी का, एंड उससे ठीक पहले डाउ फ्यूचर्स बहुत तेजी से कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज जो एक रेजिस्टेंस बना निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डाउ फ्यूचर्स का भी काम था। 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आज दिन में डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे, उसका इंपैक्ट अभी आपको क्लियरली यहां पर देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट सी टेरिटरी के अंदर डाउ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने डाउ के ऊपर बहुत तेजी भी देखी है, लेकिन हमारे मार्केट को जज करने के लिए अगर कोई इंडिकेटर हमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है तो हमें उसको मिस नहीं करना चाहिए। S&P 500 देखें, ये भी बेसिकली पॉजिटिव या
फिर फ्लैट में कहूंगा, यहां पर फ्लैट दिखाई दे रहा है। अब नैसडेक की बात करते हैं, कल यहां पर तकरीबन आई थिंक 78 पॉइंट्स की तेजी थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था बैंक निफ्टी के देखते हुए कि बैंक निफ्टी ही ऊपर जाएगा, और ये नैसडेक के अंदर जो तेजी है जनरली आईटी सेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है ये, तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा बूम नहीं देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली में हम गलत साबित हुए एंड नैसडेक की तेजी आईटी सेक्टर को और ऊपर लेके गई है। तो अगेन यहां पर जो 51 पॉइंट्स की तेजी दिखाई दे रही है, अगर ये तेजी में ही क्लोज होता है तो मैं तो फिर कहूंगा कि आईटी सेक्टर के ऊपर वापस से यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, जिसमें से इंफोसिस अभी भी प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है आज ही, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। क्यों प्रोमिनेंट है? क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया आरएसआई बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पे है एंड अभी भी स्टिल वहां से काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जाकर आप डिटेल में वीडियो चेक कर सकते हैं। ये बात हो गई है देखिए यहां पर अमेरिकन मार्केट्स की। अगर हम बात करें आज यूरोपियन मार्केट्स की, तो सारे यूरोपियन मार्केट्स आज रेड टेरिटरी में कामकाज करते हुए दिखाई दिए स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। 12:30 बजे से जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस सारे मार्केट्स यहां पर रेड टेरिटरी में कामकाज कर रहे थे। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे एशियन मार्केट्स की बात, तो एशियन मार्केट्स में निकाई की बात कीजिए, तो देखिए निकाई बहुत अच्छी तेजी के साथ में तकरीबन 2% की तेजी के साथ में 500 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करते हैं चाइना एंड हांगकांग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर आप देखें चाइना A50 आज 2.25% की गिरावट के साथ में, जबकि कॉमोडिटीज के प्राइस इतने हाई हैं, मेटल सेक्टर इतना जबरदस्त दिखाई दे रहा है चाइना का, उसके बावजूद भी इतनी गिरावट। और हांगकांग के अंदर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर 0.31% की तेजी, या फिर मैं इसको फ्लैट ही कहूंगा, क्योंकि इतने पॉइंट्स की तेजी या गिरावट यहां पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकती ऑल ओवर अगर आप देखेंगे एशियन मार्केट्स के अंदर। लेकिन ये गिरावट अगर कल बढ़ जाती है, देखिए चाइना के मार्केट सुबह 7 बजे खुलते हैं, तो हमारे मार्केट से ठीक पहले किस तरीके का मूव आ रहा है वहां पर वो देखना जरूरी है। अगर ये इंक्रीज होती है तो डेफिनेट सी बात है फिर हमारे यहां फ्लैट सी ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। तो चाइना एग्जैक्टली किस तरीके का रुख बना रहा है वो हम देखेंगे कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले, फॉलोड बाय एसजीएक्स निफ्टी। चलिए अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं और हम लोग बात करेंगे आज बेसिकली अभी निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स की आज कौन रहे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट है वो देखना निफ्टी किन स्टॉक्स की वजह से भागा है। इंफोसिस पहले नंबर पर रहा है, ऑल टाइम हाई लगाया है 1799 का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने भी ऑल टाइम हाई लगाया है बहुत तेजी के साथ में रिजल्ट से पहले। जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर बहुत तेजी से आता हुआ दिखाई दे रहा है मेटल सेक्टर के अंदर से, और आईटीसी एक नई टेरिटरी में जा चुका है, 250 के ऊपर के लेवल यहां पर आते हुए दिखाई दिए, 262 की क्लोजिंग है, तो यहां पर भी आपको डेफिनेटली पोजीशन बनानी चाहिए। 2 दिन पहले ही मैंने आईटीसी के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने सारी चीजें कवर करी थी। इसके बाद टाटा मोटर्स के अंदर अगेन एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, टीसीएस यहां पर सरप्राइजिंगली काफी गिरावट के बाद में वापस से बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दिया। मेटल सेक्टर की बात करें तो हिंडालको ने भी यहां पर साथ दिया है, इस तरीके से यहां पर आगे भी तेजी ड्राइव होती हुई नजर आई है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स निकल के आते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये जो मैं कोशिश करूंगा कि कल वीडियोस में कवर करूं क्योंकि इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं एंड इससे पहले बहुत अच्छा मौका ये स्टॉक भी दे सकते हैं आपके लिए एक अच्छे प्रॉफिट कमाने का। अब हम लोग चल रहे हैं फाइनली बेसिकली ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। स्पॉट हमने देख लिया है 477 का स्पॉट, 18,477 का स्पॉट है, 21st of October 2021 की है वीकली एक्सपायरी, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी, तो एटीएम इज देयर 18,500 पर अगर आप कॉल साइड के अंदर देखेंगे तो यहां पर एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप है। 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ओआई के साथ में 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर ऐड हुए हैं, इट मींस कि यहां पर एग्जैक्टली जो कंडीशन आ रही है वो एक बुल साइड के अंदर ही आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आप ये देखिए 18,600 के ऊपर हम यहां पर देखते हैं 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है, और ये अगर बेसिकली इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली फिर आपको 16,650 को क्रॉस करके 18,700 भी टच करता हुआ दिखाई दे जाएगा मार्केट। लेकिन देखिए ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि मार्केट ओवरस्ट्रेच्ड है एंड इस कंडीशन में, ओवरस्ट्रेच्ड की कंडीशन में 18,700 टच करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है 18,600 किसी भी ऊपर के मूव के अंदर यहां पर एक अपर रेंज, अपर लिमिट रह सकती है निफ्टी के लिए, भले ही निफ्टी जो है 18,477 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले 2 दिन ट्यूसडे एंड वेंसडे थोड़ा सा कूल ऑफ यहां पर दिखाई दे सकता है। वेंसडे सेकेंड हाफ से आपको कुछ प्रोमिनेंट एक्शन देखने को मिलेगा जब वोलेटिलिटी इससे भी ज्यादा
एक्सपेक्टेडली बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो मेरे लिए जो अपर रेंज निकल के आ रही है दैट वुड बी 18,600 जो कल निफ्टी के ऊपर आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। और पुट साइड के अंदर अगर हम बेस समझने की कोशिश करें तो आज बेस के हिसाब से देखेंगे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई यहां पर 18,500 के ऊपर है। तो ये जो 18,500 है ये एक्चुअली में एक मैक्स पेन एरिया बना हुआ है, यानी कि यहां पर एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्ट्रैडल्स जो है यहां पर प्ले किए गए हैं राइटर्स के द्वारा, ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद अगर 18,500 के नीचे तो मार्केट ऑलरेडी है ही, देखिए अगर यहां से और फर्दर नीचे चलता है तो 18,400 के ऊपर क्या स्थिति है। तो अगर आप देखें 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ ही है और मुझे ऐसा लगता है अगर गिरावट बढ़ती है तो 18,400 के नीचे भी मार्केट जा सकता है। लेकिन एक ही दिन में 60,000 एंड देन 40,000 निकालने के बाद में 18,350 के नीचे मार्केट जा पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए लोअर रेंज जो निकलेगी वो 18,350 के आसपास आती हुई दिखाई देगी। तो लोअर रेंज वुड बी 18,350, ये रेंज आपको दिखाई दे सकती है निफ्टी के ऊपर। तो यहां पर अगर आप देखें, मैं समझता हूं ये 250 पॉइंट्स का जो मूव है ये देखने को मिल सकता है। कल वोलेटिलिटी शायद इतनी ना रहे एंड अगेन यहां पर थोड़ा सा कॉशियस होके हमें चलना है क्योंकि ओवर स्ट्रेच की कंडीशन में मार्केट जब भी बुल रन के अंदर गिरावट दिखाते हैं वो एक्चुअली में शार्प होती है। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है जिसमें 3-4 या 5% की गिरावट निफ्टी ने दिखाई हो, लेकिन एक्चुअली में अगर प्रॉफिट आपको मिल रहा है किसी भी अपनी ट्रेड में तो उस प्रॉफिट को एग्जैक्टली बांधिए, इंतजार मत कीजिए कल का, क्योंकि ओवर स्ट्रेच की कंडीशन में बहुत हाई चांसेस आर देयर कि मार्केट कभी भी हल्का फुल्का करेक्शन ले और आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली में लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे जाए। तो ऑल ओवर देखिए ये है एनालिसिस निफ्टी टुमारो के अंदर कल के लिए, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।